सो फाइव प्लेयर्स हु कैन रूल T20 आइज। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे पांच ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो कि T20 फॉर्मेट को रूल करते हैं, ओन करते हैं और उनका T20 में कोई सानी नहीं है। ऐसे पांच प्लेयर के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। अब हम इसमें ऐसे प्लेयर की बात बिल्कुल नहीं करेंगे जो रन तो 50 से या उससे ज़्यादा की औसत से बनाते हैं लेकिन उनके स्ट्राइक रेट 125-130 के आसपास रहते हैं। हम बात करने वाले हैं ऐसे बैट्समैन के बारे में हु कैन एक्सप्लोड इन T20। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, पाँच ऐसे प्लेयर को बताएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा। अंत में आकर अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर पांच से शुरू करेंगे, नंबर एक की तरफ जाएंगे। नंबर पांच वो पोजीशन है जिसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था, तो यहाँ पर मैं रायली रूसो के बारे में सोच रहा था, मैं सोच रहा था यहाँ पर एडन मार्करम के बारे में, और भी कुछ प्लेयर थे जिनके बारे में मैंने सोचा लेकिन मैंने यहाँ पर रखता हूँ एडन मार्करम को। उनके पास है दोस्तों 147 का स्ट्राइक रेट, नियरली 38-36 के करीब की औसत से रन बनाते हैं और काफी अच्छे ये प्लेयर हैं। नंबर चार नंबर पांच पर आपको हर T20 गेम में आपको बैटिंग करते हुए दिख जाते हैं और मैच को बनाना भी जानते हैं। 147 का स्ट्राइक रेट एक काफी अच्छा स्ट्राइक रेट होता है अगर हम देखें तो ये मेरे नंबर पांच के बल्लेबाज हैं। अब हम चलते हैं नंबर चार पर। नंबर चार पर मैंने रखा है यहाँ पर, अब नंबर चार पर मैं सोच रहा था विराट कोहली के बारे में, मैं सोच रहा था ग्लेन फिलिप्स के बारे में, तो नंबर चार पर मैंने रखा है ग्लेन फिलिप्स को। ग्लेन फिलिप्स का भी वही है, नियरली 140 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट है, 147 को ये इनका स्ट्राइक रेट टच करता है। रन इनके काफी हैं, औसत इनकी काफी अच्छी है, धांसु है, तो ये मेरे नंबर चार के वो प्लेयर होने वाले हैं हु कैन रूल T20I फॉर्मेट। तो यहाँ पर नंबर चार पर मैंने ग्लेन फिलिप्स को रखा है। नंबर तीन की तरफ चलते हैं, नंबर तीन पर मैंने रखा है सर विराट कोहली को। अब दोस्तों इतने सालों से अगर कोई बंदा नियरली 50 से ऊपर की औसत से रन बनाता है, और सिर्फ औसत से रन बनाता नहीं उनका स्ट्राइक रेट भी मैटर करता है, तो नियरली 138-139 के स्ट्राइक रेट के साथ ये खिलाड़ी अब तक चला है, तो ये मेरा नंबर तीन का प्लेयर रहता है। इन्होंने कुछ ऐसी पारियां खेली हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते और इतने रन बनाए हैं जो कि शायद T20I फॉर्मेट में किसी ने नहीं बनाए। सो ये मेरे नंबर तीन के बल्लेबाज हैं। नंबर दो की तरफ हम चलते हैं, नंबर दो पर है यहाँ पर जॉस बटलर। नंबर दो पर मैं जॉस बटलर को जगह देता हूँ। इनका स्ट्राइक रेट बढ़िया है, इनका औसत बढ़िया है, इनके रन काफ़ी ज़्यादा हैं, इनके शतक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये मेरे नंबर दो के प्लेयर रहते हैं। नंबर एक की तरफ चलते हैं, नंबर एक पर मैंने रखा है यहाँ पर अपने सूर्य कुमार यादव। अब ये सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि T20I रैंकिंग में भी नंबर वन पे हैं और इनके जैसा विश्व में अभी T20I प्लेयर है भी नहीं और शायद आने वाले 2-3 सालों में नहीं आ पाएगा। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अब तक 185 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं और कंसिस्टेंसली बनाए हैं। इनके T20I में ऐसा कोई भी मैच नहीं गया जिसमें इनकी लगातार तीन पारियाँ या दो पारियाँ फेलियर के साथ आई हों, तो ये एक ऐसा प्लेयर है हु कैन रूल T20I फॉर्मेट इन ओवर ऑल द वर्ल्ड। सो गाइज, यही था आज की छोटी सी वीडियो में। आप बताइए पांच में से आपको कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपके हिसाब से रैंकिंग क्या होनी चाहिए, कौन से प्लेयर को नहीं होना चाहिए इस रैंकिंग में और कौन से प्लेयर को होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बस यही था आज की छोटी सी वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।